मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन घेराव के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया और जनहित में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान लोगों से किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहोश हो गए। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भोपाल में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। जवाहर चौक से राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं ने रंग महल के नजदीक लगाए बैरिकेड तोड़ दिए। कार्यकर्ता पैदल ही आगे बढ़े, जबकि कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और दूसरे बड़े नेता ट्रक पर सवार थे। पुलिस ने रंगमहल चौराहे पर 100 मीटर के अंदर 2 बैरिकेड लगाए थे। पहला बैरिकेड तोड़ते हुए कांग्रेस नेताओं ने दूसरे बैरिकेड की ओर दौड़ लगा दी और इस पर चढ़ गए। यहाँ पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए वाटर कैनन से पानी का तेज प्रेशर मारकर कांग्रेस नेताओं को खदेड़ने की कोशिश की, जहां गिरने से कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। भिंड युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार के हाथ में चोट लग गई। सपना से आया एक कांग्रेस कार्यकर्ता बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। पुलिस ने विधायक जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी समेत 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस कार्यकर्ताओं को 3 बसों में भरकर प्रदर्शन स्थल से दूर ले गई। DCP साई कृष्णा थेटा ने बताया कि प्रदर्शन में 5,000 के लगभग भीड़ थी। जवाहर चौक से पैदल मार्च शुरू होने से पहले सभा में PCC चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा, सबसे बड़ी परीक्षा अगले 6 महीने में आपके निष्ठा की है, विश्वास की है। अगर जिस निष्ठा से आपने कांग्रेस का झंडा 18 साल उठाया है, आप अपनी कमर कस लें तो कोई आपको रोक नहीं सकता। यह कांग्रेस की नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में हर वक्त परेशान है, भटकता नौजवान, दुखी किसान, व्यापारी सब परेशान घूम रहे हैं। आपको अपना सिर नहीं झुकाना, छाती ठोक कर कहना है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, आज पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है, बेईमान सरकार को उखाड़ने के लिए ये प्रदर्शन है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।